तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। देखो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है। मतलब अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट हमें पहले से दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट पहले से पता है तो मोशन ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, क्या होगा। देखो जब पाथ कैसे कहे, पाथ का लॉजिक क्या है कि जिस पाथ पर पार्टिकल चल रहा उसका लॉजिक ये है कि रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, तो जो कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन है वही पाथ डिसाइड करता है बच्चों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा लॉजिक है। कभी भी पाथ निकालना हो पार्टिकल की तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट कर दो। ठीक ना, तो अब मैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करता हूँ, तो जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ दी हुई है 2+2t और +4t का स्क्वायर, और यहाँ वाई की जो वैल्यू है वो दी हुई है 4t+ यहाँ से 8t दिया हुआ ना, तो 4t+ यहाँ से 8t का स्क्वायर। अब देखो अगर मुझे एक्स एंड वाई को रिलेट करना है तो इस वाई से मैं बड़े आराम से एक्स निकाल सकता हूँ, इस वाई को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि अगर, या नहीं तो मैं ऊपर से यहाँ से इस वाई में, इस वाई को मैं लिख सकता हूँ 2 और 2t+4t का स्क्वायर। ठीक ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2t+4t का स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, x-2 आ जाएगी, और इसको पुट कर दूंगा वन में। तो जैसे ही मैं वन में पुट करूंगा तो y=2 x-2, मतलब 2x-4 और y। इसका मतलब ये हुआ कि y=, ये जो इक्वेशन है ये किसके फॉर्मेट है, y=mx-c के फॉर्मेट में, याद करो mx-c। तो ये इक्वेशन x और y की वन पावर है, तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है ना, ये बात हमें क्लियर है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, पैराबोला है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड, अगर दोनों का एक्सलेशन निकालोगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।